जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जानता है केवल वो इस बात को पहचान सकता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था ये कहती है कि आपके ये बैंकों के एटीएम तो आ जाए हैं, आरती उस किसान का पारंपरिक एटीएम है। किसान को बेटी की शादी करनी हो, बुआ का भात भरना हो, बहन का छूछक देना हो, बच्चे की पढ़ाई करानी हो, बाप की दवाई करानी हो, सिर पे साफा बांधता है और सीधा मंडी में आरती किया जाकर खड़ा हो जाता है। वो उसे केवल विश्वास पर पैसा देता है क्योंकि उसे मालूम है जब फसल आएगी तो वो बैलगाड़ी में भरकर या ट्रैक्टर में भरकर उसके यहाँ लाएगा और वो उसे बेचकर अपना पैसा वसूल लेगा। अध्यक्ष जी, जसवंत सिंह जी जैसे लोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था समझते हैं ये क्या जाने, वो मेरी बात के साक्षी होंगे। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या वॉलमार्ट और टेस्को उसे उधार देगा? क्या उसे संवेदना होगी उसकी बेटी की शादी या बहन का भात भरने की? उसे तो धोती और साफे वाले किसान से बदबू आएगी और कौन डायरेक्ट बात कर सकेगा? कोई किसान से सीधा खरीदेगा? अरे नई एजेंसियां खड़ी होंगी, वो नए बिचौलिए खड़े हो जाएंगे। इसलिए ये कहना कि बिचौलिया को आप समाप्त कर देंगे या मिडलमैन को आप समाप्त कर देंगे, ये बात सिरे से गलत है। अध्यक्ष जी, आपको विदेशी बिचौलिए चाहिए? आप क्यों खड़े हो रहे हैं?